दादा क्या ये लौंडागिरी का काम करता है, लड़का पढ़ाई लिखाई करो, कुछ आगे बनो। अब मेरे पास हम लोग का उतना पैसा भी नहीं था, मेरे पीछे बहुत ज्यादा मेहनत चिंटू कर कौन रहा। चिंटू? चिंटू राजा जो आशीष यादव को गाना देते हैं, आशीष यादव का राइटर चिंटू राजा। हाँ उसी का वही दे रहे। डरता हूँ बेटा डरता हूँ नहीं आई राजा तिया, हमारा तो का पहरे पहरा लठिया चीरा देता हूँ। और इनका यहीं से गाना रिकॉर्डिंग हुआ था, डर तो नहीं अहिरा वो जतिया। गाना यहीं से रिकॉर्डिंग हुआ जी था। यहीं से रिकॉर्डिंग हुआ। और उनका फिर लोगों को तो कमेंट आ रहा था कि पटना दिल्ली कहीं बाहर का म्यूजिक। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं खैरा। जी हाँ दोस्तों, खैरा छोटा सा जगह है जहां से एक सिंगर है जो कि फर्स्ट ही गाना गाए हैं इस स्टूडियो से, देख सकते हैं प्रेमी रिकॉर्डिंग स्टूडियो खैरा में दोस्तों मौजूद है। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, एक सिंगर है गंगाधर यादव, सुनने में आया उनका रिकॉर्डिंग अभी फिर यही हो रहा है, काफी दिनों से वेट कर रहे थे। और देख सकते हैं अंदर रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या कुछ खास हो रहा है हम आप लोगों को वीडियो में बने रहिए, दिखाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इधर कैमरा में इधर फोकस कीजिएगा, देख सकते हैं एकदम लगे हुए हैं भैया, देख सकते हैं एकदम बंद बंद करो बंद। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर यही स्टूडियो है जहां से समझ सकते हैं आपको देश विदेश पटना दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप घर बैठे अपना नजदीकी स्टूडियो से, जैसे कि अगर आप जम्मू क्षेत्र में हैं तो खैरा में आकर के यहाँ रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से देखिए गंगाधर अंदर मौजूद हैं और यहीं से वो गाना गाए थे डरतो नहीं अहिरा जतिया। और वो गाना ट्रेंडिंग में चला गया इंस्टाग्राम में, महज 2 दिनों में ट्रेंडिंग में चला गया और काफी प्यार मिल रहा है और बहुत ज्यादा व्यू भी मिला है। तो जानेंगे क्या कुछ खास उस गाने के पीछे मेहनत किए हैं कि वो गाना ट्रेंडिंग में चला गया। और बिल्कुल पुराने सिंगर जितने भी है, हिट सिंगर है, उनका गाना ट्रेंडिंग जाता है क्योंकि वो पुराने सिंगर है। और ये न्यू सिंगर होने के बावजूद भी और समझ सकते हैं छोटा सा स्टूडियो में गाना गाए हैं और उनका गाना ट्रेंड पे चल गया है और ट्रेंड कर रहा है अभी भी। तो इधर देखिए भैया, अभी हमारे सिंगर जो है गंगाधर जी, उन्हीं का रिकॉर्डिंग हो रहा है और इनका यहीं से गाना रिकॉर्डिंग हुआ था, डर तो नहीं अहिरा जतिया। वो गाना यहीं से रिकॉर्डिंग हुआ जी, यहीं से रिकॉर्डिंग हुआ। और उनका फिर लोगों को तो कमेंट आ रहा था कि वो पटना दिल्ली कहीं बाहर का म्यूजिक, नहीं, बाहर नहीं, का स्टूडियो नहीं, 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 ये प्रेमी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से उनका रिकॉर्डिंग हुआ है और बहुत मेहनत की है उस गाने में और अच्छा वायरल चल रहा है। मुश्किल से आप मिले हैं, एकदम पूरा पसीना पसीना है, क्या बात है। सबसे पहले यादव और नंदन को जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं सभी को पैर छूके प्रणाम है, रिकॉर्डिंग चल रहा है भैया। क्या कुछ खास मेहनत की है उस गाने के पीछे कि वो गाना महज 2 दिनों में ही ट्रेंड कर रहा है एकदम, वो भी पुराने सिंगर का, हिट सिंगर का ट्रेंड करता है तो मायने नहीं करता, महज एकदम नया गाना गाए और आप छा गए मार्केट में। हाँ ये तो है, मेहनत जितना मेहनत की है उतना फल मिल रहा है, पब्लिक का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। उस गाने को गाइएगा भैया 2 लाइन एकदम लाइव, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग भी होता है और अच्छा रोड कंपनी का माइक भी लगा हुआ है, आप लोग भी आके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो उस गाने को गाइएगा भैया ऐसे है कि अरे कि सब जातिया डरता हूँ बेटा डरता हूँ नहीं अहिरा जातिया, अरे कि सब जातिया डरता हूँ बेटा डरता हूँ नहीं अहिरा जातिया, हमारा तो का पहरे पहरा लठिया चीरा देता हूँ छतिया। तो यहाँ बाहर में जो भैया मिक्सिंग कर रहे थे वो बोल रहे थे कि यहीं से रिकॉर्डिंग हुआ, सही में यहीं से रिकॉर्डिंग यहीं से हुआ है। मेरे बहुत अच्छे बड़े भैया, बहुत पुराना, मतलब अपना भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और सब भैया कर रहे हैं। गाना को इतना ज्यादा प्यार दुलार मिला है, नहीं लगता है कि ये मतलब लोकल क्षेत्र से रिकॉर्डिंग हुआ। देखिए अगर आप में टैलेंट है ना तो कहीं दिल्ली और बम्बे पटना जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो कहीं भी गा के आप लोकल स्टूडियो में भी गा के स्टार बन सकते। तो क्या लगता था आपको भैया कि ये गाना जो आप कभी अनुमान भी लगाए थे कि इतना प्यार मिलेगा पब्लिक का, आप गाना गाए और आप छा गए मार्केट में? उतना तो नहीं, लेकिन पब्लिक का प्यार अगर मिल जाए तो कोई भी कहाँ से कहाँ चल जाता है। और क्या कुछ बवाल आने वाला है गंगाधर यादव का गाना मार्केट बवाल, में बवाल, क्या देखने को मिलेगा? बवाल बवाल रिकॉर्डिंग हो चुका है, आप लोग के बीच बहुत जल्द आएगा, ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाएगा। इस क्षेत्र में आए हैं तो किनको आदर्श मान के आए हैं, कुछ तो सोचे होंगे, घर वाले कैसा सपोर्ट रहता है घर वाले का? घर वाला का फुल सपोर्ट है भाई, हम बहुत गरीब परिवार से है कि मम्मी पापा को उतना हो नहीं सकता जो हमको कलाकार बना सके, मतलब भाई लोग का सपोर्ट मिला है, 2-4 भाई दोस्त है उसी का सपोर्ट से आया जो भी है। हो ना हो, कई लोग बोल रहे थे गंगाधर यादव नॉर्मल फैमिली से है, गाय भैंस चराते हैं और सिंगर में एकदम ट्रेंडिंग तक चल गए हैं। बस शुरू से मतलब बचपन से ही लगाव था संगीत से, क्षेत्र से, बस मेहनत करते गए, एक दिन देखिए आप लोग के बीच। तो दोस्तों समझ सकते हैं मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगा, आप देखे उदाहरण सामने है, समझ सकते हैं एक किसान का बेटा गाय भैंस चराने वाला ऐसा गाना गाया है कि ट्रेंडिंग में चला गया, छा गए हैं। कौन गाना लिखे थे भैया उसको? मेरा बहुत ही, मेरा जो बड़े भैया चिंटू भैया है जो कि बहुत अपना घर का परिवार है और हम मेरे पीछे बहुत ज्यादा चिंटू कौन मेरे पीछे बहुत ज्यादा चिंटू कौन चिंटू चिंटू राजा जो आशीष यादव को गाना देते हैं।
आशीष यादव का राइटर चिंटू राजा, हाँ उसी का वही दे रहे हैं, सब गाना मेरा वही लिखते हैं जितना भी गाना दे रहे हैं। अच्छा वो गाना दिए और गाना एकदम इतना बच गया। और बहुत एक से एक गाना भैया लिख के रखे हैं, एक से एक ब्लास्ट आएगा। और क्या कुछ पब्लिक को अपकमिंग देखने को मिलेगा, क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या आप लगे रहिएगा कि बच गया तो छोड़ दीजिएगा? नहीं नहीं, आप देखिए मेन बात है कि पब्लिक मेरे लिए भगवान है, अगर पब्लिक नहीं चाहते तो आज तक इतना ऊपर नहीं आते। आज जो भी दो आदमी दस आदमी जान रहे हैं क्या ये लौंडागिरी का काम करता है, लड़का पढ़ाई लिखाई करो कुछ आगे बनो। अब मेरे बाद हम लोग का उतना पैसा भी नहीं था, मेरा मम्मी पापा बहुत गरीब परिवार से है, पढ़ाई तक का पैसा नहीं हो पाता। तो समझ सकते हैं दोस्तों काफी गरीबी फैमिली से गुजरे हैं। और हो ना हो आप कौन से कास्ट से हैं भैया? यादव है, यादव कास्ट से हैं। और समझ सकते हैं गाय भैंस चराने वाले भी स्टार बन सकते हैं। आप लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमारे अंदर टैलेंट है तो एक बार आप जरूर आइए स्टूडियो, नजदीकी स्टूडियो आपके घर से जहां भी नजदीक स्टूडियो है, वो स्टूडियो मायने नहीं रखता, म्यूजिक मायने नहीं रखता, आप कहां से म्यूजिक बनवा रहे हैं मायने रखता, आपका गला में कितना दम है, कितना आवाज में दम है, कहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो भैया कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे? लगभग 2019 से गा रहे हैं। तो 2019 से गा रहे थे, सोचिए एक गाना क्लिक हो गया अचानक, कितना सुंदर गाना गाए हैं, फिर से उस गाने को गाइएगा लास्ट अंतरा। हाँ लास्ट अंतरा है ऐसे है कि हाँ अरे की जितना पावर रो है राइफल के गोली में, ओकरो से ज्यादा पावर अहीरा के बोली में, अरे कर तो बर्दाश्त नहीं बेटा अहीरा के करो बतिया, हमार तो का पारे पर लठिया चीरा दे तो छतिया।